हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबका फेवरेट सुपर टेस्टी आम पापड़ बनाने का सबसे आसान तरीका। ना आम पापड़ चिपकेगा ना फटेगा, एकदम परफेक्ट आम पापड़ बनकर तैयार होगा। कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम इसे बनाएंगे। और फिर मानिए, जब आप इसे बनाएंगे तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है या फिर मार्केट से मंगाया है। मार्केट से भी अच्छा एकदम प्योर सुपर टेस्टी आम पापड़ बनकर तैयार होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ छोटे छोटे टिप्स के साथ हम इसे बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आम। तो हमने यहाँ पर एक आम ले लिया है। सबसे पहले हम आम को छील लेते हैं। हमें आम का बस ये ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका हटा देना है। आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने अपने चैनल पर पहले भी आम की कई रेसिपी शेयर की हैं, जैसे आम से मैंने मैंगो फ्रूटी, मैंगो मिल्क केक बनाना बताया है। तो आप एक बार वो रेसिपी भी जरूर ट्राई करें। और अब हमें आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि हमें इस आम की प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। हमने आम को काट लिया है। अब यहाँ ले रहे हैं एक मिक्सी का जार, और जार में डालकर हमें इस आम की प्यूरी बनानी है। ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सी आम की प्यूरी बनकर रेडी है। इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए, अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हमने यहाँ लिया है एक पैन, और जो हमने आम की प्यूरी बनाकर रखी थी ये सारी इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच चीनी का यूज किया है। जो खाने वाली नॉर्मली चम्मच होती है, उसी चम्मच से मैंने 5 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है। और आप चाहे तो थोड़ा बहुत चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे 10 मिनट तक लो मीडियम गैस पर पका लेना है। जब हम ये आम पापड़ बनाएं तो नॉनस्टिक पैन का ही यूज करें। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो पहले पैन में थोड़ा सा घी डालें, उसके बाद ही इस प्यूरी को डालें, जिससे कि ये आम पैन में चिपके नहीं। और 10 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल अच्छे से लो मीडियम गैस पर पका लिया है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है। को बढ़िया बनाने के लिए इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे, तभी आम पापड़ का टेस्ट अच्छा आएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस आम पापड़ को थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 नींबू का रस। मैंने यहाँ पर 1/2 ही नींबू को निचोड़ कर उसका रस निकाल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो मीडियम गैस पर और पकाएंगे। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाता। और ये देखिए, अब ये काफी गाढ़ा होने लगा है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ ली है एक थाली, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर पहले ही ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने ये बनाया है अपना आम पापड़, इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और आप आम पापड़ को जितनी भी पतला या मोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें फैला लीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आम पापड़ को ज्यादा पतला नहीं फैलाएं, क्योंकि आम पापड़ थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर सारे आम पापड़ को इसमें फैला दिया है। अब इसे आप 2 से 3 दिन की धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप आपके यहाँ नहीं आती है तो पंखे की हवा में भी ये बहुत ही आसानी से सूख जाता है। और ये देखिए, 2 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये निकल गया है। और आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल मार्केट जैसा आम पापड़ हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो देखा आपने कितना आसान है ये सुपर टेस्टी आम पापड़ बनाना। अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट, और अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। आप जैसे भी चाहें, आप इसके रोल बनाना चाहें रोल बना लीजिए, जिस तरह से भी आप इसे खाना पसंद करें आप इसकी कटिंग कर लीजिए।
इस आम पापड़ को बनाते समय छोटी छोटी टिप्स को आप जरूर याद रखें। जैसे कि जब इस आम पापड़ को हम बनाएंगे, तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप नॉन स्टिक पैन लें, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो थोड़ा सा किसी भी पैन या भगोने में आप बना रहे हैं, थोड़ा सा पहले ऑयल डाल लें, घी डालें, उसके बाद ही इस प्यूरी को डालकर पकाएं। इस आम पापड़ में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये बिल्कुल प्योर है, क्योंकि हमने इसमें ना ही किसी फूड कलर ना ही किसी एसेंस का यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसा बढ़िया बना है, और इसे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अगर आप इसे छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप मेरी रेसिपी से कब बना रहे हैं ये सुपर टेस्टी आम पापड़, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमने तो यहाँ पर अपने आम पापड़ को बनाकर तैयार कर लिया है, और ये देखिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर लिया है, ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी मेरी रेसिपी से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।